कई लोगों को अक्सर पेट में दर्द शुरू हो जाता है अचानक से। कई इलाज, कई दवाइयाँ लेने के बाद भी वो दर्द ठीक नहीं हो पाता है, या कई बार पेट के अलग अलग हिस्सों में दर्द अचानक से बहुत तेज बढ़ जाता है। हो सकता है यह अल्सर का कारण हो, यानी कि हो सकता है कि पेट में कहीं अल्सर हो या अल्सर जन्म ले रहा हो। यह बहुत ही तकलीफ दे स्थिति होती है। इसमें पेट के अंदर में घाव या छाले टाइप से हो जाते हैं, जिसका इलाज अगर सही समय पे ना किया जाए तो यही ट्यूमर ले का रूप ले लेता है और कई बार या गंभीर बीमारी को भी जन्म दे देता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे अल्सर के बारे में। कैसे जाने कि पेट के अंदर आपके अल्सर है, अल्सर का लक्षण, अल्सर के इलाज क्या है। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। पेट का अल्सर बहुत तकलीफदेह होता है। पेट के अल्सर में पेट में छाले हो जाते हैं और इससे घाव भी हो जाते हैं। अल्सर की समस्या अनियमित दिनचर्या और गलत खान पान के कारण होती है। जब अधिक समय तक खाने पीने के क्रम ढंग से नहीं हो पाता है तो पेट में छाले हो जाते हैं और इनके फूटने पर ये घाव का रूप ले लेते हैं। इसको ही पेट का अल्सर होना कहते हैं। यह कभी कभी बहुत ही गंभीर रूप ले लेता है। अल्सर शरीर के अंदर छोटी आंत के शुरुआती स्थान या म्यूकल झिल्ली पर होने वाले छाले या घाव होते हैं। अल्सर का प्रमुख कारण पेट में एसिड बढ़ना, चाय, कॉफ़ी, सिगरेट व शराब का अधिक सेवन करना। यहाँ बता दें दोस्तों कि खाली पेट चाय का अधिक सेवन करना भी इसका प्रमुख कारण होता है। इसके अलावा ज़्यादा खट्टी, मसालेदार और गर्म पदार्थ का सेवन करने से अल्सर की समस्या हो जाती है। खान पान के साथ ही अधिक तनाव से भी अल्सर का रोग हो जाता है। इन लक्षणों से पता करें कि आपके पेट में अल्सर है या नहीं। चलिए बात करते हैं। पेट के ऊपरी भाग में दर्द होना। अल्सर की समस्या होने पर पेट के ऊपरी भाग में काफ़ी दर्द होता है। ऐसा देखा जाता है कि अल्सर में खाने के बाद पेट में दर्द शुरू हो जाता है। इसके अलावा खाली पेट रहने से भी दर्द होता है। अल्सर में आहार नली के निचले हिस्से में छाले पड़ जाते हैं। कभी कभी तो आहार नली में छिद्र भी हो जाता है और आहार नली में तेज जलन भी होती है। एसिड बनना। जब हम कुछ खाते हैं तो आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। इससे ही भोजन का पाचन होता है। कभी कभी बदहजमी के कारण एसिड ऊपर की ओर आहार नली में चला जाता है और इससे जलन महसूस होती है। इसका असर गले, दांत, सांस आदि पर पड़ने लगता है। इससे मुंह में छाले पड़ जाते हैं। यानी पेट में जब गैस अधिक बढ़ जाता है तो ही यह मुंह में छाले के रूप में बनता है। खून की उल्टी होना। अल्सर में ऐसा देखा जाता है कि उल्टी होती है या उल्टी आने जैसा महसूस होता है। जब अल्सर बढ़ जाता है तो दिक्कतें बढ़ती हैं और कभी कभी खून की उल्टी भी हो सकती है। ऐसे में मल का रंग भी काला हो जाता है या कभी कभी मल द्वार से भी खून निकलते हैं। हाँ, बवासीर में भी ऐसा होता है, पर अक्सर पेट में जब घाव हो जाता है तो वहाँ छीलन की वजह से जो खून निकलता है वो भी कभी कभी मल द्वार से बाहर निकलते हैं। एसिडिटी का रिफ्लेक्शन होना। अल्सर होने पर सीने में दर्द की शिकायत होती है। यह दर्द एसिडिटी रिफ्लेक्शन के कारण होता है। बताते चले कि दिल का दर्द सीने के ऊपरी भाग में होता है और कभी कभी एसिडिटी की वजह से भी उसी जगह दर्द होता है। यानी जब एसिड शरीर में अधिक बढ़ जाता है तो यह छाती से होते हुए पीठ की ओर चला जाता है और गर्दन में भी पहुँच जाता है। अगर आपके शरीर में इस तरह में दर्द हो तो आप समझ जाए कि आपके शरीर में एसिड की मात्रा काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। इसके चलते बिना जांच के दोनों में फ़र्क करना मुश्किल होता है। वजन कम हो जाना। पेट के अल्सर रोग से परेशान लोगों का वजन बहुत तेज़ी से घटने लगता है। इसके पीछे कारण है कि अल्सर होने पर मरीज खाने को लेकर उदासीन हो जाता है, खाना कम खाता है, जिसकी वजह से ही बॉडी का वजन कम होने लगता है। अब बात करते हैं, अगर आपको अल्सर हो तो क्या कर सकते हैं आप इसके लिए घरेलू उपाय। चलिए बात करते हैं। पहला, गुड़हल के लाल फूलों को पीसकर पानी के साथ इसका शरबत बनाकर पीना चाहिए। दोस्तों, यह काफ़ी कारगर उपाय है। मैं यह बताना चाहता हूँ कि गुड़हल के फूल को पीस कर आप अगर पानी के साथ लेते हैं तो यह आपको बड़ी से बड़ी पथरी में भी फ़ायदा
पहुंचाता है कम से कम 21 mm तक की पथरी में, चाहे वो बॉडी में किसी भी भाग में हो। दूसरा, गाय के दूध में हल्दी की कुछ मात्रा मिलाकर रोजाना पीने से फायदा होता है। तीसरा, बेल का जूस या बेल पत्र को पीसकर इसे पानी में घोलकर रोजाना पीना चाहिए। बादाम को रात भर पानी में भिगोकर सुबह इसे चबाते हुए खाएं। इसके अलावा बादाम को दूध में पीसकर इसका प्रयोग किया जा सकता है। केले, नारियल, पत्ता गोभी, गाजर, मेथी दाना और सहजन यानी कि मूंगा का सेवन लाभकारी साबित होता है। दोस्तों, ये था वीडियो अल्सर के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगा दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुभकामनाएं, खुश रहें, स्वस्थ रहें।